राजस्थान के पंचायत राज चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। आज सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज हम जयश्री ग्राम पंचायत में मौजूद हैं, सीधा हेडक्वार्टर पर यहाँ मतदान हो रहा है। ये जयश्री ग्राम पंचायत का गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पूरे तरीके से, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं, वो पुलिस बल तैनात है वहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ। उधर से भी मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं और इधर से जयश्री से भी इसी तरीके के लोग आ रहे हैं और मतदान जोर शोर से चल रहा है। पूरे तरीके से शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। ये पूरे तरीके से, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर भी दिखाइएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कैसे करें, मतलब ये प्रोसेस है, समझाया जाता है। और ये यहाँ एक चार्ट लगाया गया है कि नो मास्क नो एंट्री। पूरे तरीके से कोरोना काल की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है उसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ मतदान किया जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे तरीके से कोरोना का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है। बिना मास्क और बिना सैनिटाइज किए यहाँ एंट्री नहीं हो रही है। पूरे तरीके से चेकिंग हो रही है यहाँ। पूरे तरीके से जो पोलिंग पार्टी है अपना कर्तव्य निभा रही है और पुलिस के, राजस्थान पुलिस के जवान भी अपना पूरा फोकस लगाए हुए हैं। ये पुलिस के जवान अंदर भी हैं। कैमरा मैन से कहूँगा जरा झूम करके दिखाएं, ये कई बूथ बनाए गए हैं इस जयश्री ग्राम पंचायत में। यहाँ भी मतदान हो रहा है, इस बूथ पर भी मतदान हो रहा है। महिलाएं खासतौर से काफ़ी उत्साह में यहाँ वोटिंग कर रही हैं। अब शाम तारीख, आज 3 तारीख है और शाम को जब मतदान बंद होने के बाद 5 बजे के बाद, जब इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जब 7-8 बजे जब तस्वीर साफ होगी तब हम आपको लगातार डी टी न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। अभी जयश्री का नज़ारा है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, पूरी चेकिंग की जा रही है। कोरोना के लिए भी यहाँ स्पेशल टीम गठित की गई है और इसको भी यहाँ पूरे तरीके से चेक करने के बाद तब यहाँ से निकलने दिया जा रहा है। ये देखिए पूरा नज़ारा जयश्री ग्राम पंचायत का हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे तरीके से, ये कोरोना काल के बाद पहली बार मतदान राजस्थान में हो रहा है। कोरोना की स्थिति पूरे तरीके से कंट्रोल में है। यहाँ मैं आपको लगातार डीटी न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहा हूँ। अभी तक के लिए इतना ही, फिर हम आपको लगातार राजस्थान की हर कवरेज दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।